16 अप्रैल को आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनिश्री समय सागर जी महाराज सत्संग का 9 अप्रैल को कुंडलपुर में मंगल प्रवेश होने जा रहा है। एलक श्री धैर्य सागर जी महाराज ने मंगल प्रवेश और तैयारियों को लेकर जैन फोकस टीम को विशेष जानकारी दी। 16 अप्रैल को कुंडलपुर में भव्य आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसी क्रम में 9 अप्रैल को भावी आचार्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवेश होगा। इस दौरान एलक श्री धैर्य सागर जी महाराज ने मंगल प्रवेश और तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की। यहाँ पर पदारोहण होने जा रहा है 16 अप्रैल 2024 को, जिनको उत्तराधिकारी के रूप में आज पूरा विश्व देख रहा है। ऐसे परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण परम पूजनीय समय सागर जी, समय श्रोमणि समय सागर जी महाराज का आगमन 9 अप्रैल को दोपहर 3 बजे होने जा रहा है। पूरे विश्व की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि ऐसा कौन सा वह व्यक्तित्व है जो ऐसे महान विश्व वंदनीय गुरु का पद ग्रहण करने जा रहे हैं। साथ ही शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज ने भक्तों से अपील करते हुए कहा कि तीर्थ क्षेत्र पर कोई भी व्यसन आदि चीजों का सेवन ना करे और जैन समाज की शालीनता और सभ्यता का परिचय दें। तो साधु संत त्यागी व्यक्तियों के द्वारा तो धर्म की प्रभावना होती है, मगर आपके द्वारा भी आपके चरित्र की पवित्रता से भी लोगों के मन में अच्छा मैसेज जाएगा और लोग कहेंगे कि देखो जैन समाज के लोग किस प्रकार से रहते हैं, गुटखे हैं, सिगरेट है, तंबाकू है आदि, इन विषयों का कम से कम क्षेत्र पर प्रयोग ना करें, और ये भी अगर आप करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इनसे बचें और बड़ा शालीनता का परिचय दें, क्योंकि ये खुशी का कार्यक्रम नहीं है। पूज्य आचार्य श्री का वर्तमान में जो मन में तो सभी के बैठे हुए हैं, मगर फिर भी हम जिस दृष्टि से यहाँ आए हैं उस दृष्टि को देखते हुए जितनी हम शालीनता का परिचय देंगे उतना ही हमारे जीवन के लिए लाभकारी होगा, समाज के लिए लाभकारी होगा, और जो भी नया व्यक्ति देखता है वो भी आपका आपके प्रति उसकी श्रद्धा और भावनाएं अच्छी जागृत होंगी। इस दौरान दयोदय तीर्थ के महामंत्री श्री राकेश जैन ने समाज के सभी लोगों से आयोजन में सहभागिता हेतु निवेदन किया। साथ ही दयोदय महासंघ के प्रवक्ता एडवोकेट अजय जैन अहिंसा ने 9 अप्रैल को निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज के मंगल प्रवेश में सहभागिता हेतु समाज से निवेदन किया। हमारे आचार्य श्री के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य श्री समय सागर जी महाराज ज्येष्ठ महाराज हैं, उनका आगमन ऐसा लग रहा है जैसे तीर्थंकर का आगमन हमारे इस कुंडलपुर क्षेत्र पर होने जा रहा है। ऐसे आगमन में आप अपनी सहभागिता स्वयं उपस्थित होकर बनाएं और इसका ऐसा पुण्य लाभ मिलेगा कि आपको अनंत अनंत कर्मों को क्षय करने की एक ऐसी स्थिति अवस्था ऐसी प्राप्त होने वाली है जिससे आपके कर्म को न्यूनतम किया जा सकता है। ब्रह्मचारी तरुण भैया जी ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि आचार्य श्री की कमी के कारण ही इस बार वर्ष 2022 जैसा कुंडलपुर महोत्सव का उत्साह नहीं है। निश्चित उत्सव तो है, लेकिन उत्सव में वो आनंद, उत्सव में वो उत्साह नहीं है जो 2022 कुंडलपुर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के वक्त हुआ करता था। कारण मुझे नहीं, हर जन जन को और मन मन को पता है कि सब कुछ होते हुए भी फूल के पास यदि गंध ना हो तो फूल का कोई आकर्षण नहीं होता। ऐसे ही अभी इस बड़े बाबा की नगरी में सब कुछ है, बड़े बाबा अपने स्थान पर हैं, अपनी वेदिका पर हैं, अपने भक्तों के बीच में हैं, लेकिन फिर भी छोटे बाबा की गंध ना होने के कारण क्या पता बड़े बाबा के इस महामहोत्सव में वो आनंद नहीं है। भावी आचार्य श्री निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज के 9 अप्रैल को होने जा रहे मंगल प्रवेश को लेकर भक्त बेहद उत्साहित हैं। जैन फोकस के लिए कुंडलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।